दोस्तों सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो हमारा चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा होगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन या प्रतिबल तथा विकृति। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वो करते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज के हमारे जो टॉपिक है वो है फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता, नेक्स्ट होगा स्ट्रेस या प्रतिबल, एंड आफ्टर इट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस या प्रतिबल के प्रकार, देन स्ट्रेन या विकृति, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एंड लास्ट आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हुक्स लॉ। सो दीज सिक्स टॉपिक्स वी विल डिस्कस टुडे। सो सबसे पहले हम लेते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। अब इलास्टिसिटी क्या है? अगर कोई आपके पास में बॉडी है उसको आप स्ट्रेस करते हो लाइक रबर, तो रबर को जैसे खींचोगे और जैसे आप उसको छोड़ते हो तो वापस वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो अगर किसी बॉडी पर आप डिफॉर्मेबल फोर्स लगाते हो या विरूपक बल लगाते हो और जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया या डिफॉर्मेबल फोर्स हटाया तो उसके बाद में बॉडी आपकी ओरिजिनल स्टेट एंड साइज में अगर आ जाती है तो बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। और जो बॉडी इस बिहेवियर को शो करती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी या प्रत्यास्थ वस्तु, और जो बॉडी इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगी उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी या अप्रत्यास्थ वस्तु। अब यहां पर ये लिखा हुआ है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता, द फोर्स which changes the shape of the body in a state of producing the change in its state is called a deforming force. अब deforming force क्या है? Deforming force एक ऐसा force है जिसको अगर आप किसी body पर लगाते हो तो body का shape and size change हो जाती है, ना कि उसकी state change होती है ना कि उसकी अवस्था change होती है। तो इस particular force को बोला deforming force। हिंदी में हमने वही लिखा है, वह बल जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित करने के स्थान पर उसके आकार को परिवर्तित कर देता है उसको बोलते हैं विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअल में बॉडी का शेप चेंज कर रहा है, वस्तु का की आकृति परिवर्तित कर रहा है, ना कि उसका स्टेट चेंज कर रहा है, उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं कर रहा है। तो ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज आवर डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल। नाउ अ बॉडी that returns to its original shape and size on the removal of the deforming force is known as elastic body, and the property of matter by virtue of which it regains its original shape and size on the removal of deforming forces called elasticity. अब इलास्टिक बॉडी क्या है? आपके पास में कोई भी बॉडी है उस पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया या विरूपक बल लगाया है, जैसे आप इस फोर्स को हटा देते हो और बॉडी अगर आपकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है, जैसे मैंने रबर की बात की है तो रबर पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसको आपने खींच दिया है, जैसे आप उसको छोड़ते हो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। तो ऐसी जो बॉडी होगी उसको हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। और उस और किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके अकॉर्डिंग अगर उस पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो और वो आपकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ये हिंदी में हम बात करते हैं, वह वस्तु जिस पर लगाया गया विरूपक बल हटाने पर वस्तु अपनी वास्तविक आकृति तथा आकार ग्रहण कर लेती है प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। तो इलास्टिक बॉडी या प्रत्यास्थ वस्तु वो वस्तु है जिस पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था या विरूपक बल लगाया था, जैसे तो आपको आप रिमूव कर देते हो हटा देते हो तो वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। एंड तथा वस्तु का यह गुण जिसके अनुसार वह अपनी वास्तविक आकृति तथा आकार ग्रहण करती है प्रत्यास्थता कहलाता है। तो प्रॉपर्टी तो हमारी इलास्टिसिटी होगी, प्रत्यास्थता होगी, एंड बॉडी कौन सी होगी? इलास्टिक बॉडी होगी या प्रत्यास्थ वस्तु होगी। नाउ अ बॉडी देन डज नॉट रिटर्न टू इट्स
original shape and size on the removal of the deforming force is called a plastic body. A plastic body क्या है? Plastic body एक ऐसी body है जिस पर से अगर आप deforming force हटा देते हो तो वापस कभी भी अपने original shape and size में नहीं आती है, कुछ न कुछ उसमें change हो जाता है। तो ऐसी वस्तु जिस पर से यदि विरूपक बल को हटा दिया जाए तो वस्तु अपनी वास्तविक आकृति तथा आकार ग्रहण नहीं करती है, उसको हम बोल रहे हैं प्लास्टिक बॉडी या अप्रत्यास्थ वस्तु, अप्रत्यास्थ वस्तु या प्लास्टिक वस्तु कहलाती है। तो वह वस्तु जिस पर लगाया गया विरूपक बल हटाने पर भी वस्तु अपनी वास्तविक आकृति तथा आकार ग्रहण नहीं कर पाती है, अप्रत्यास्थ वस्तु या प्लास्टिक वस्तु कहलाती है। क्लियर है? Now, next आता स्ट्रेस। अब इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी हमने बता दिया है। अब स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी बॉडी पर अगर आप यूनिट फोर्स पर, सॉरी यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाते हो उस फोर्स को बोलते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल। तो स्ट्रेस क्या, प्रतिबल क्या है? द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप इन द बॉडी when this body is deformed by the external force is called stress. तो किसी भी बॉडी पर आप क्या कर रहे हो, अभी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, बाह्य बल लगा रहे हो। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाते हो तो इसके अपोजिट साइड में एक डिफॉर्मिंग फोर्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। जैसे अगर मैं किसी बॉल को पिचकाता हूं तो मैं बाहर से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, पर इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो वापस उसको ऊपर की तरफ लेकर आएगा। तो यूनिट एरिया पर या एकम क्षेत्रफल पर कितना आप रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हो उसको बोलते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल। जब किसी वस्तु को बाह्य बल द्वारा विरूपित किया जाता है उस अवस्था में वस्तु के प्रति एकम क्षेत्रफल में स्थापित प्रत्यानंद बल प्रतिबल कहलाता है। तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, बाह्य बल लगा रहे हो, उससे बॉडी आपकी डिफॉर्म हो रही है। क्या हो रही है? बॉडी हमारी विरूपित हो रही है, उसका शेप चेंज हो रहा है। तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट साइड में एक और फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं प्रत्यानंद बल या रिस्टोरिंग फोर्स। तो यूनिट एरिया पर आपने कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाया है या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर हमने कितना बल लगाया है, प्रत्यानंद बल लगाया है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारा है स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रतिबल क्या हो गया, ये हो गया प्रतिबल इक्वल टू प्रत्यानंद बल अपॉन क्षेत्रफल। तो अगर हमारा क्षेत्रफल वन हो जाता है या एरिया वन हो जाता है उस केस में हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है जो प्रत्यानंद बल है वही एक्चुअल में क्या जाएगा, स्ट्रेस। अब इन इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, जितना आप इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो या एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स आपका रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, प्रत्यानंद बल के बराबर हो जाएगा। सो इन इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स या साम्यावस्था में प्रत्यानंद बल इक्वल टू विरूपक बल। सो इसलिए प्रत्यानंद बल की जगह हम चाहे तो एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स ले सकते हैं। तो इसलिए हमने इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया है, स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। क्या हो गया, ये हो गया प्रतिबल इक्वल टू बाह्य आरोपित बल अपॉन क्षेत्रफल। क्योंकि हमने बोला इक्विलिब्रियम में क्या है, एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल किसके बराबर हो जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स के या प्रत्यानंद बल के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स से रिप्लेस कर दिया है। तो स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया या प्रतिबल इक्वल टू बाह्य आरोपित बल अपॉन क्षेत्रफल। अब अगर हम बल को ऐसे रिप्रेजेंट करें और एरिया बड़ा ए हो तो स्ट्रेस क्या जाएगा, एफ अपॉन ए। अब बात आती है इसकी यूनिट की या मात्रक की। अब अगर हम मात्रक लें तो एफ का मात्रक हमको पता है, यूनिट पता है न्यूटन,
और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई, यूनिट स्ट्रेस की आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन या विमा लोगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, ये फोर्स का, और एरिया क्या होता है एल टू। अब एल टू को आप ऊपर लेके जाओ तो एक एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये डायमेंशन आ गई विमा आ गई किसकी, स्ट्रेस की या प्रतिबल की। तो यूनिट तो क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन या विमा हो गया एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। नाउ अब स्ट्रेस हमने डिस्कस किया है, अब स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं या प्रतिबल कितने प्रकार के होंगे उसकी हम बात करते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस या प्रतिबल के प्रकार, अब सबसे पहले आता है लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य या अभिलंब प्रतिबल। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या है या अभिलंब प्रतिबल क्या, उसकी हम बात कर रहे हैं। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस। अब आपके पास कोई बॉडी है, आपके उस बॉडी पर आपने पर यूनिट एरिया नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये हमारी कोई बॉडी है, इसका आपने नॉर्मल डायरेक्शन में जो आपने फोर्स लगाया है पर यूनिट एरिया या प्रति एकांक क्षेत्रफल, हम जो अभिलंब दिशा में बल लगाते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, या अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अभिलंब प्रतिबल। तो किसी वस्तु की सतह के अभिलंब प्रति एकांक क्षेत्रफल कार्यरत विरूपक बल अनुदैर्ध्य या अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में पर यूनिट एरिया आप कितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, विरूपक बल लगा रहे हो, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस या अभिलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इट इज यूज्ड टू चेंज द लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब जैसे मेरी कोई बॉडी है, अब ये बॉडी है, इसको फिल भी कर देते हैं, चलो ये हमारी बॉडी। अब हम इसके नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो नॉर्मल हमने फोर्स लगाया है। अब ये जो फोर्स है इसके यूनिट एरिया पर आप कितना लगा रहे हो, एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा रहे हो। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसकी लेंथ इंक्रीज करेगा, ये लेंथ डिक्रीज करेगा। नाउ सेकेंड हमारा हो सकता है, जैसे अगर बॉडी हम ले लेते हैं, मैं ये ले लेता हूं, ये मैंने बॉडी ली, अब इस बॉडी पर नॉर्मल डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया या प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर ऐसे करोगे तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम या लेंथ में चेंज करता है, तो यह वस्तु की लंबाई या आयतन में परिवर्तन में परिवर्तन करता है, यह परिवर्तन में प्रयुक्त होता है, परिवर्तन में परिवर्तन करता, लिख देता हूं मैं, इसको हटा दो, ब्लैक कर देता हूं, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो यह वस्तु की लंबाई या आयतन में परिवर्तन करता है, क्लियर है। नाउ सेकंड हम लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच फेस ऑफ द बॉडी। अगर आपके पास में कोई बॉडी है, सपोज क्यूब है या फिर हमारा क्या है क्यूबॉइड है, घन है या घनाभ है, तो उसके हर फेस पर आप इक्वल फोर्स लगाते हो, समान बल लगाए, तो उसमें क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच फेस ऑफ द बॉडी देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंजेस अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो बाह्य बल के प्रभाव में
एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आप हर फेस पर अंदर की तरफ फोर्स लगाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, हर फेस पर अगर आप बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं, अब ये मेरी कोई बॉडी है, अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी पर अगर मैं ये काम करूं, ये बॉडी थी मेरी, फिल कर देता हूं इसको, ये फिल किया, अब अगर मैं इसके हर पॉइंट पर ये फोर्स लगाया, इधर भी लगाया, यहां पर भी लगा दिया, इधर लगा दिया, ऐसे हर जगह इसके फेस फोर्स लगाया है और फोर्स आपका इक्वल है, तो क्या होगा इससे, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले आपका व्हाइट गोला था, मतलब गोला आपका बड़ा था, जब आपने इक्वल फोर्स लगाया हर डायरेक्शन से तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। इसी टाइप से अगर मैं क्यूब ले लूं या क्यूबॉइड ले लूं, घन ले लूं या घनाभ ले लूं, तो इस केस में अब ये मेरा डायग्राम है, अब इसके हर फेस पे मैं इक्वल फोर्स लगाता हूं, इधर भी फोर्स मैंने एफ लगाया, इधर लगा दिया, ये इसके बाद में ये जो ऊपर वाली सरफेस है इस पर भी लगाया, और जो पीछे वाली सरफेस है इस पर भी हम फोर्स लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा, ये आपका छोटा हो जाएगा, कैसे, ये आपका इस टाइप से बन जाएगा, क्लियर है। सो पहले आपका ये था, आपने हर फेसेस पर फोर्स लगा, ये बन गया, अगर आप इस पर लोगे तो आपका इस टाइप से बन जाएगा। तो ये हमने यहां पे किया है, if same force is applied on each face of the body, then the volume of the body changes under the effect of external force, and due to property of elasticity, the internal force tries to regain the original volume of the body. Such type of stress is called volume or bulk stress. इसी को हिंदी में लिख देते हैं, यदि किसी वस्तु के प्रत्येक फलक पर, each face पर हम लगा रहे हैं, समान बल लगाया जाता है, समान कर दो इसको, समान बल लगाया जाए तो बाह्य बल के प्रभाव में वस्तु का आयतन परिवर्तित होता है एवं वस्तु के प्रत्यास्थित गुण के कारण, या प्रत्यास्थित गुण के कारण आंतरिक बल वस्तु के वास्तविक आयतन को बनाए रखने का प्रयास करता है। जो इंटरनल फोर्स है वो क्या करेगा, ओरिजिनल शेप को बनाए रखेगा, ओरिजिनल साइज को बनाए रखेगा। इस प्रकार का प्रतिबल आयतन प्रतिबल कहलाता है, या वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाता है, बल्क स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नाउ थर्ड हमारा है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस, या स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। अब ये क्या है, अब ये एक्चुअल में क्या कर देता है, इसका शेप चेंज कर देता है। द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। किसी वस्तु के स्पर्श रेखीय या समांतर, तो या तो स्पर्श रेखीय दिशा में होगा या फिर समांतर होगा,
प्रति एकड़ क्षेत्रफल विरूपक बल स्पर्श रेखीय या अपरोपण प्रतिबल कहलाता है। तो एक्चुअल में तो हर जगह फोर्स अपॉन एरिया ही है, बल अपॉन क्षेत्रफल ही है। अब आपका स्ट्रेस किस टाइप का, उसके अकॉर्डिंग उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, सेकंड था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या आयतन प्रतिबल, और थर्ड हमारा है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस या अपरूपण प्रतिबल। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। सो यहां पर अब आज का हमारा ये टॉपिक एंड होता है। आज हमने इलास्टिसिटी के कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया है। इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस कितने टाइप के होंगे, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन कितने टाइप के होंगे, इलास्टिक लिमिट क्या होगी, हुक्स लॉ क्या होगा, ये सारे हमने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।